दिखाने वाली हूँ मनीष दा का घर। तो चलो आज देखेंगे। तो ये देखो अभी कितने बजे हैं, अभी 9:06 हो गए हैं। तो आज हम देखेंगे तो रात का क्या समय है। तो चलो चलते हैं मनीष दा का घर, बाहर से एक बार देख लो कैसा है। तो ये मनीष दा का घर। तो गाइस अभी हम फिलहाल आ चुके हैं मनीष दा का गार्डन में, आपको गार्डन भी दिखाएंगे हम। तो चलो सबसे पहले एक लाइट चालू कर लेते हैं, तो फिर हम सारा कुछ दिखा पाएंगे आपको। पहले गार्डन में चलो, तो चलो पहले यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर तुलसी है और ये देखो ये है मनीष दा का खटारा। ये है मनीष दा का खटारा मोटर। ये आप और अंदर चलो, यहाँ पर एक और खटारा है। देखो आइए आइए, यहाँ पर देखो एक और एक खटारा है। यहाँ पर कपड़े बरसाती भी होनी चाहिए और यहाँ पर चाहिए। चलो गाइस चलते हैं बाहर। आइए तो अभी गाइस हम एक सुंदर मनीष दा की मम्मी को गार्डनिंग बहुत पसंद है, इसलिए वो गार्डनिंग करती है। तो अब मैं उनका गार्डन दिखा देती हूँ कितने सारे रोज लग रहे हैं, रोज के प्लांट से ये चल स्टार्ट कर रहे आइए। ये तो सामने देख सकते हो कितना बड़ा पेड़ है, यहाँ पर भी पेड़ है वही फ्रेंड। धीरे से चलो, ये है रोज का प्लांट, आप देख सकते हो कितना बड़ा है। लाइट में दिखाती हूँ और यहाँ पर भी एक रोज का प्लांट है। यहाँ पर एक ट्री है जो बढ़ रहा है और यहाँ पर भी एक ट्री है। हम यहाँ पर पहले नहीं क्या, यहाँ पर जो जगह मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पर पहले झिंडू के जो फ्लावर्स रहते हैं, मैरीगोल्ड के फ्लावर्स रहते, वो थे, वो स्मॉल वाले रहते हैं ऑरेंज कलर के, वो थे। यहाँ पर प्रोमोग्रेनेट का प्लांट है, यहाँ पर लगते भी है। तो अगर आपने अभी तो गार्डन तो देख ही लिया होगा। तो चलो, तो यहाँ पर ये पिछला रास्ता है, पिछले रास्ते से नहीं जाएंगे हम, सामने यहाँ पर भी पेड़ उगते देखो देखी है। यहाँ पर कुछ तो बनाने वाले मिट्टी का। चलो गाइस चलते हैं अंदर। तो ये मनीष दा के भाई रोशन दा। तो चलो चलते हैं, ये है घर, तो ये है मेन गेट। तो ये है अंदर है, यहाँ पर देख सकते हो आप, ये है बड़ा हॉल। और आपको बता देती हूँ मैं अच्छे तरीके से, यहाँ पर देखो हम जब मतलब ये शूटिंग करते हैं कैमरा, मतलब कि हम वीडियो शूट करते हैं, मतलब मैं नहीं मजदा, तो यहाँ पर ये देखो, ये ना सुनता ही नहीं मेरा भाई, बहुत मस्ती खो रहे। तो यहाँ पर ये स्टैंड है जिस पर हम जो है कैमरा रखते हैं और फिर शूटिंग करना चालू कर देते हैं। गाइस हम इसका फोटो निकालेंगे। ये देखो ये कैमरा देखो गाइस, और यहाँ पर स्पीकर्स भी लगे हैं। हम वीडियो एडिट आपको देखो, वीडियो एडिट भी करते हैं, पर अभी वो लैपटॉप जो है अपने मतलब कि वो दूसरे घर में उसके जल्द से जल्द फॉर्मूला आ जाएगी, पर अभी तो नहीं आ सकते। ये है हमारा कैमरा उनका स्टेज का। और ये देखो गाइस, ये देखो ये है स्पीकर गाइस, ये देखो स्टेज मेरा, अब ये स्टैंड कैमरा स्टैंड। तो ये देखो ये है फर्स्ट रूम, आप देखो। और रुको मेरे लिए। और गाइस ये स्टैंड है, ये बकवास बाजी का मेरा है। और ये तो गाइस यहाँ पर देखो, ये है मतलब कि ये स्टैंड, अभी वो हमने जो दिखाया था वो छोटा ही था, मतलब कि यही है वो, पर वो छोटा भी होता है और बड़ा भी होता है। तो ये है उसकी साइज, आप देख सकते हैं। यहाँ पर कैमरा भी फिट किया है और यहाँ से भी हम शूट कर रहे हैं, आप देख सकते हो यहाँ से भी हम शूट कर रहे हैं। ये देखो सारा शूट कर रहे हैं, ऐसे करते हैं हम फुल। हाँ, और गाइस इसी कैमरा से हम शूट करते हैं। और दो कैमरा है हमारे पास, एक जो जिससे आप देख रहे हो हमें, और इसमें भी एक, ये भी, इससे भी हम आप देख रहे हो हमें, इसके इसका इसका जो वीडियो रहता है वो इसमें डालकर हम आपको एडिट कर दिखाते हैं। तो ये अभी जस्ट ऑफ कर दिया है।
तो गाइस अभी जो है ये कैमरा हम रख रहे हैं, तो गाइस क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है तो हमें ऐसा लगे रहना। तो चलो गाइस, ये तो अभी आपने मेन हॉल देख लिया। और तो गाइस अभी जो है हम किचन में चलेंगे और यहाँ पर जो है टोटल 4 रूम्स हैं। तो चलो पहले सेकंड रूम में जाएंगे, तो मेन किचन। तो आइए, ये है गाइस मेन किचन। यहाँ पर है भगवान जी, यहाँ पर बहुत सारे फोटोज भी लगे हुए हैं। यहाँ पर है भगवान जी, यहाँ पर है गैस, और यहाँ पर तो सब कुछ है, प्लेट से स्पून से थे, बहुत सारे बर्तन है यहाँ पर, कुकिंग का कुछ है, बहुत सारे सामान। और हाँ, एक मेन चीज आपको दिखाना है गाइस, ये है हमारा शाही खजा, और आप देख सकते हो यहाँ पर कितना बड़ा फ्रिज है। चलो आइए, देखो ये हो गया आपका अपना सेकेंड रूम कंप्लीट। अभी हम चलेंगे थर्ड रूम में। चलो गाइस थर्ड रूम में चलते हैं। तो ये है ड्रेसिंग रूम, और अभी आपको पता, आपको मैं बताने वाली हूँ कि ये शादी रूम है, मतलब कि वो ये अभी फिर से घर बनने वाला है। तो यहाँ पर ये ड्रेसिंग रूम होने वाला है, तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे। तो यहाँ पर आइए लास्ट रूम, अपना लास्ट रूम बेडरूम। यहाँ पर दो बेड रखे हैं, टीवी रखा है, और यहाँ पर यहाँ पर ये है बीच का दरवाजा जो अभी बंद है। और ये देखो मेरा भाई कैसे सो गया। तो गाइस, और एक बात मनीष दा को बिल्कुल मत बताना, क्योंकि ये जो वीडियो है ना, ये घर का वीडियो, ये हम नहीं क्या छुप छुप के उनको नहीं बताया है, हमने ये बताया ही नहीं कि ये वीडियो हमने बनाया है और ये हम डाल देंगे। तो आप प्लीज़ उनको मत बताना, क्योंकि ये जो है ये हमने छुप छुप कर बनाया, वो अपने फ्रेंड के साथ कहा तो गए हैं इसीलिए। चलो गाइस, यहाँ पर टीवी भी चल रहा है। एक बात, एक चीज आपको दिखाना रह गई थी, मना दादा का ने क्या, मतलब कि बैग दिखाने रह गई थी। तो आप यहाँ पर ही मेरे साथ, मेरे भाई के साथ बातें करिए, और गाइस ये आपको पूरा घर अच्छे तरह से दिखा देता है काने खोपड़े से। और गाइस ये तो गाइस ये जो है मनीष दा का बैग है। चलो गाइस कुछ तो होगा इसमें, ये बहुत सारी बातें रहते हैं जो वो हमें नहीं बताते। कुछ तो है क्या, टिकटॉक की नोटबुक है। हाँ, ये मनीष दा भी कुछ भी रखते रहते हैं काम पर जाते। अरे क्या है, एक पैंडल का हल्का, देखो गाइस जिसको भी मार्वल स्टूडियोस एवेंजर्स पसंद है तो ये देखो गाइस, मुझे ये पसंद है रे बाबा। इसको हल्क भी पसंद है, ये भी पसंद है, ये भी, इसका नाम तो नहीं पता पर नहीं। तो चलो गाइस, अभी यहाँ पर तो आपको मैंने बैग भी दिखा दिया, पूरी खाली की खाली है, कुछ नहीं। ये क्या है पता नहीं, तो गाइस तुझे अभी मैं टाइम देखती हूँ। ये देखो क्या है, देखो ये बुक्स है, एक ही बुक है, अरे एवेंजर्स पैड है। तो अभी देखो गाइस 9:21 हो गए, 9:21, 9:30 को आएंगे, मुझे बहुत डर लग रहा है, तो उनको पता भी नहीं चलना चाहिए, इसीलिए हमें भी नहीं चाहिए, इसीलिए हम जल्दी से ये बाद है। मेरा भाई तो पता नहीं कहाँ चला गया, मुझे सारा करना पड़ेगा, उनकी बैग जल्दी से उनकी देखनी पड़ेगी, जिम बंद कर देती हूँ यहाँ की, बाकी सारी खुली ही थी। चलो यहाँ पर देखो आईडी कार्ड से। गाइज मैंने जो है पूरा ये बता दिया आपको, दिखा दिया। तो अभी जो है आपको बताते हैं कि कौन कैमरा मैन था। तो कैमरा मैन थे अपने रोशन दादा, ये है मेरा भाई और ये है मैं। तो गाइज हमने जो है कर दिया है, मुझे थोड़ी थोड़ी आवाज़ आने लगी है, मने दादा आ रहे चुपचाप रहना, मुझे तो लग रहा है आए क्या देख रहे, आ गई आ गई। आपको पता है तो हमने किया भी था,
काइस काइस नहीं काय काइस नहीं ना। मित्रांनो यही ना काय बनवलं मला माहिती नाही, कोणती वाली माय बहीण पयाली बाहेर तर यायना व्हिडिओ मध्ये काय बनवलं काय नाही मला माहिती नाही, पण जे दाखवून दिन आता तुम्हाला मी व्हिडिओ तर टाकणारच हवाला बनवला आहे टाकून येत काय बनवलं रे यायनी काय बनवलं मला माहिती नाही। ते तर पयाली जे व्हिडिओ काढणारी मेन पुट्टी तर पयाली, ते तिघाने जण मिळून माझ्या भावाने मिळून व्हिडिओ बनवला आहे। तर आता बघूया काय बनवलं आहे, मी तुम्हाला अपलोड करतो, तुम्ही बघितलंय असेल, मी लास्टमध्ये व्हिडिओ टाकला माझा, तर तुम्ही बघितलं असेल तर काय सांगितलं बघितलं म्हणजे काय वाटलं तुम्हाला सांगा। तर मी सांगतो आता पहिले यायले तुडप नाही तर ओके बघितला। तर मित्रांनो तुम्हाला हा लॉग आवडला असेल तर प्लीज माझ्या बहिणीसाठी लाईक करा आणि तुम्ही मला सबस्क्राईब पण करा आणि बेल आयकन पे ऑल पे राहू प्लीज। और सॉरी बट मी आधी हिंदी और आधी मराठी बोलता हूँ तो इसका एडजस्ट कर लो, पर इनको मैं पीटने वाला हूँ अभी। तो ओके बाय फ्रेंड्स।